तो यह है टाटा प्ले बेंच प्लस एंड्रॉइड सेटअप बॉक्स और इस बॉक्स के अंदर टीवी चैनल और ओटीटी ऐप बिल्कुल फ्री में चलते हैं। क्योंकि गाइस अभी के टाइम पे ना टाटा प्ले ने गजब का ऑफर निकाला भाई, जिसके अंदर अपने को टीवी चैनल और ओटीटी बिल्कुल फ्री में मिलेंगे अगर आप नया कनेक्शन बाय करोगे तो। वीडियो में सारी चीजें आपको मैं आगे बताऊंगा सही ऑब्वियसली, लेकिन इस वीडियो की अप्रोच थोड़ी सी अपने डिफरेंट रखी है। इस वीडियो में अपन टाटा प्ले के बिंच प्लस बॉक्स को फायर टीवी के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि तुम लोगों के इतने कमेंट आते हैं कि भैया आप फायर टीवी को एंड्रॉइड बॉक्स के साथ कंपेयर करो, तो वाई नॉट टाटा प्ले बिंच प्लस। तो वीडियो ना भाई बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एक एक करके सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस अगर मैं आपको पहले बिंच प्लस के बारे में बताऊं ना, तो बेसिकली ये एक टाइप का एंड्रॉइड सेटअप बॉक्स है। अब इसके अंदर ना अपन को दो बेनिफिट मिलते हैं, एक तो आप इसके अंदर लाइव टीवी चैनल को देख सकते हो जिसकी लिस्ट आपको स्क्रीन के ऊपर शो रही होगी, और दूसरा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि इसी बॉक्स के अंदर अपन ओटीटी ऐप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन कौन सी ओटीटी ऐप है उसकी लिस्ट भी आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। तो इसका मतलब ये जो बॉक्स है ना भाई, ये कॉम्बिनेशन है ओटीटी ऐप और लाइव टीवी चैनल का। आगे की तरफ आपने को टाटा स्काई बिंच प्लस की ब्रांडिंग मिल जाएगी। वैसे तो टाटा स्काई का नाम चेंज हो गया, टाटा प्ले हो चुका है, लेकिन ये बॉक्स बहुत ज्यादा पुराना है तो आप समझ ही रहे होंगे। पीछे की तरफ अपने को बहुत सारे पोर्ट इसके अंदर मिलते हैं, जैसे कि एक इथरनेट का पोर्ट है, दो यूएसबी का पोर्ट है, एक एचडीएमआई का पोर्ट है, एक ऑप्टिकल एस का भी पोर्ट है जो कि साउंड आउटपुट में काम आता है, 3RCA के पोर्ट भी मिल जाएंगे, और सबसे डिफरेंट इसके अंदर अपने को एक LNB का पोर्ट भी मिलेगा। इसका मतलब साफ साफ है कि इसके अंदर अपने को डिश एंटीना को कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, डिश एंटीना और ये सेटअप बॉक्स बिल्कुल फ्री में अपने को मिलेंगे। तो अगर आपको ये बॉक्स बिल्कुल फ्री में लेना हो ना, तो थोड़ी देर और रुक जाओ, आपको सारी बातें पता चल जाएगी। अब दूसरी तरफ अपना जो फायर टीवी स्टिक है ना भाई, मैं सच बता रहा हूँ, आप में से इतने लोग अभी भी कंफ्यूज्ड है कि भाई आखिर ये है क्या। तो भाई मैं तुम्हें बता दूं, ना तो ये कोई एंड्रॉइड बॉक्स है ना सेटअप बॉक्स है, ये एक स्ट्रीमिंग टीवी स्टिक है। डेट मीन्स इसके अंदर आप ओटीटी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, एंड जितने भी स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन होती है ना, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, सोनी लियो है, जियो सिनेमा है, डिस्नी प्लस हॉटस्टार है, एंड मेनी मोर, वो सारी एप्लीकेशन इसके अंदर अपन एक्सेस कर सकते हैं, और साथ में लिमिटेड टीवी चैनल, मूवी, शो, वेब सीरीज, इन सबको अपन देख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रीमिंग का मतलब ही यही होता है ना। और फायर टीवी की एक बात और मुझे अच्छी लगी कि इसके अंदर कोई एंटीना लगाने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल इसका सेटअप है। अब अपना सेकंड पॉइंट कि अपने को किन किन सेटअप की जरूरत होगी इन दोनों को चलाने के लिए, तो टाटा प्ले जो एंड्रॉइड बॉक्स है ना भाई, इसके लिए आपको 4K LED की जरूरत होगी, क्योंकि ये 4K रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। हाँ, तुम इसको HD फुल HD में यूज कर सकते हो, बट अगर 4K LED होगा तो थोड़ा ज्यादा बेटर होगा। इसी के साथ आपको फाइबर इंटरनेट की जरूरत अपने घर में होगी, डिश एंटीना भी आपको लगाना होगा इसके साथ, एंड आपके LED में HDMI पोर्ट भी होना चाहिए। और दूसरी तरफ अपना जो फायर टीवी स्टिक है ना, इसके अंदर कोई लफड़ा नहीं भाई, प्लग करो और यूज करो भाई। फायर टीवी स्टिक को आप फुल HD इवन 4K LED में भी यूज कर सकते हो। हाँ, ये बात भी सही है कि फायर टीवी के अंदर भी आपको इंटरनेट की जरूरत होगी, लेकिन इंटरनेट आप अपने मोबाइल से भी चला सकते हो। इट मीन्स अगर आप अपना मोबाइल के अंदर हॉटस्पॉट ऑन करते हो तो उसके थ्रू भी फायर टीवी यहाँ पे आसानी से ऑपरेट हो जाती है, आपको कोई भी फाइबर कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है फायर टीवी को चलाने के लिए, बट बिंच प्लस में जरूरत पड़ेगी। अब गाइस वीडियो का सबसे मेन पार्ट कि इन दोनों के अंदर कौन कौन से चार्जेस अपने को देने पड़ेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी वीडियो का। यहाँ पर जो टाटा बिंच प्लस है ना, हाँ ये बात सही है कि मेल अपने को फ्री में रहा है, लेकिन जो एक्सटर्नल इसके चार्जेस है ना, वो यहाँ पे थोड़े ज्यादा है। जैसे कि सेटअप बॉक्स अपने को 6000 रुपए में मिलेगा, बट वो जो 6000 है ना, वो आपके टाटा प्ले के वॉलेट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, जिसके जरिए अपन बहुत सारे काम कर सकते हैं, और वो काम कौन कौन से वो वीडियो में आपको मैं थोड़ी ही देर में बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप इसके अंदर मैनुअली रिचार्ज करवाते हो तो फर्स्ट पैक इसका 300 रुपए का है, जिसके अंदर अपने को 2300 OTT ऐप मिलेंगे। इसके अलावा एक प्लान इसका 399 रुपीज का भी, जिसके अंदर 28 OTT के ऐप के सपोर्ट अपने को मिलेंगे। और अगर तुम यहाँ पे टीवी चैनल का रिचार्ज इसके अंदर करवाना चाहते हो ना, तो मिनिमम 300 रुपए से इसका टीवी चैनल का रिचार्ज स्टार्ट होगा, जो कि 1200 तक भी जाता है, इवन वो 3000 तक भी जाता है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट अपने को सारे चैनल मिलते हैं, लेकिन उसकी जरूरत अपने को स्टिल पड़ती नहीं कभी। और देखो चैनल की जो लिस्ट है वो तुम्हारे सामने स्क्रीन पे शो रही होगी, और भाई रिचार्ज यहीं खत्म नहीं हो रहा है, 2 रिचार्ज इसके और एक्स्ट्रा है। अगर आप अमेजोन देखना चाहते हो तो 299 रुपीज का प्लान आपको डलवाना होगा, एंड नेटफ्लिक्स का भी रिचार्ज 199 रुपीज आपको इसके अंदर डलवाना ही होगा। तो अगर आप ये सारी चीजें इसके अंदर इस्तेमाल करना चाहते हो ना, तो खर्चा आपके स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा होगा, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा है। लेकिन भाई दूसरी तरफ अपना जो फायर टीवी स्टिक है ना, ये इस मामले में बहुत ज्यादा आगे निकल गया है। देखो एक बात सीरियसली बता रहा हूँ, तुम में से इतने लोग अभी भी कंफ्यूज्ड है, और मेरे पास ना रेगुलर कमेंट आते रहते हैं कि भैया हम फायर टीवी को लेंगे तो उसके बाद क्या हमको इसके अंदर रिचार्ज करवाना पड़ेगा। तो इसका जवाब है नहीं, फायर टीवी के अंदर कोई भी रिचार्ज करवाने की अपने को जरूरत नहीं पड़ती, ये एब्सोल्यूट बिल्कुल फ्री में चलता है। हाँ, वो बात अलग है कि आप इसके अंदर ओटीटी एप्लीकेशन यूज करना चाहते हो, जैसे कि अगर आप इसी के अंदर अमेजोन प्राइम यूज करोगे तो ऑब्वियसली उसका चार्जेस तो अलग है, नेटफ्लिक्स का चार्जेस अलग है,
तो वो ना वेरी करता है कि आप इसके अंदर इस्तेमाल क्या करते हो। जैसे कि बहुत सारी ओटीटी एप्लीकेशन फ्री में भी मिलती है, जैसे कि अपने जियो सिनेमा है उसमें आप बहुत सारी चीजें फ्री में देख सकते हो, सोनी लिव के अंदर भी बहुत सारे कंटेंट अपने को फ्री में मिलते हैं। तो इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको फ्री में चलाना है या फिर रिचार्ज करवाना है। और थोड़ी देर में मैं आपको ऐसा भी तरीका बताऊंगा कि फायर टीवी के अंदर अपन सारी चीजों को फ्री में भी कैसे देख लेंगे, मतलब नेटफ्लिक्स अमेजोन और सोनी के सारे कंटेंट फ्री में भी मिल जाएंगे अपने को। तो वो बस मैं आपको थोड़ी देर में समझा रहा हूँ अच्छी तरीके से। और राइट दोस्तों, अब थोड़ी अपन बेनिफिट एंड लिमिटेशन की बात कर लेते हैं कि किसके अंदर अपने को बेनिफिट मिलता है और किसके अंदर लिमिटेशन मिलती है। तो देखो यहाँ पे जो टाटा प्ले का बेनिफिट है ना, वो इस तरीके से किसके अंदर अपने को 6,000 रुपये का रिचार्ज करवाना पड़ता है और वही 6,000 रुपये वापस से आपके टाटा प्ले वॉलेट के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके जरिए आप इसके अंदर रिचार्ज करवा सकते हो। तो एक तरीके से देखा जाए ना तो ये बॉक्स, इसका सेटअप बिल्कुल फ्री में आपको मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है देखो, और ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए। और दूसरी तरफ अपना जो फायर टीवी स्टिक है ना भाई, इसके अंदर भी बेनिफिट अपने को कोई कम नहीं मिलते। सबसे पहली बात कि ये बहुत ही सस्ते में अपने पास आ जाता है, और जिस रेट में फायर टीवी स्टिक आता है इसके अंदर अपने को अच्छी परफॉर्मेंस भी मिल जाती है। अपनी एलईडी को आप स्मार्ट बना सकते हो, वो भी सिर्फ 1500 रुपए में। और सबसे बड़ा बेनिफिट कि इसके अंदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन भी सपोर्ट करती है, अपन इसके अंदर लेटेस्ट मूवी, टीवी चैनल, वेब सीरीज को बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। अलग अलग एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ती है, और इस टॉपिक के ऊपर मैंने अगेंस्ट ये वाली वीडियो भी बना रखी, जाके देख लेना, लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, देख लेना। और अगर आपको वीडियो नहीं मिलती तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, फिर आपको रेगुलर मेरी वीडियो मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब जरूरी है। अब टाटा प्ले मेंजी प्लस की जो लिमिटेशन है ना, वो भी मैं आपको थोड़ी बहुत बता देता हूँ। सबसे पहली बात कि इसके अंदर अपने को 153 रुपीज का पर मंथ का रिचार्ज करवाना जरूरी है। अगर आप इसके अंदर टीवी चैनल नहीं देखते हो और ओटीटी एप्लीकेशन भी यूज नहीं करते हो, तब भी आपको 153 का रिचार्ज करवाना मैंडेटरी है, इसके बगैर ये बॉक्स आपके चलेगा ही नहीं। तो आपको इसको लेने के बाद 150 रुपये का रिचार्ज तो करवाना ही पड़ेगा, उसके बगैर ये डब्बा है ये आपके किसी भी काम नहीं आएगा, मतलब ये तो आगे भी नहीं बढ़ेगा। तो ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है इस टाइप की सेटअप बॉक्स की। तो गाइस आप ऑब्वियसली समझ ही गए होंगे कि कौन सा डिवाइस खरीदना ज़्यादा बेस्ट है 2024 में, और नहीं समझे तो फिर बता देता हूँ। ऑब्वियसली फायर टीवी स्टिक थर्ड जनरेशन। हाँ, अब फायर टीवी क्या होता है, कैसे यूज करना है, क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, ये भी समझना है तो पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने है, जाके देख लेना, आप अच्छे से समझ जाओगे कि आखिर फायर टीवी होता क्या है। तो इस वीडियो को जाके अभी देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार,